हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली अभी हम हल्द्वानी से निकल रहे हैं और बहुत तगड़ी वाली ठंड हो रही है। अभी तो यहाँ पहाड़ भी नहीं है, तो पहाड़ में एंटर करेंगे तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, इसलिए अच्छे से कपड़े डाल लिए, बट स्टिल ठंड लग रही है। तो चलो, ये जो इतना सारा सामान है इसको पैक करते हैं दोबारा गाड़ी के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। थैंक यू सो मच इसको मत लगाना है तो। ऊपर से भूखू कैसा था? ओके, ठीक छू जी। जी प्रणाम, मिलते हैं मंगल में, अल्मोड़ा में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम पहाड़ों पे घूम रहे हैं और गाड़ी रोकी है बिकॉज ओरियो को उल्टी आ गई। ओलू क्या हुआ? पहाड़ पे आ गए ना, पहाड़ में घूमती रहती गाड़ी तो इसका पेट घूम गया होगा। अब साफ कर रहे हैं। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं गर्म पानी। हाँ, जगह का नाम है गर्म पानी जगह का। अरे हाँ, मैं आपको बताने ही भूलिए कि हम जा किधर रहे हैं। हम जा रहे हैं मम्मी के मायके, जहाँ पे मम्मी जी का पूरा बचपन बीता है। मतलब मैं अराउंड वहाँ पे 7 सालों से नहीं गया हूँ, तो आज जाएंगे। एंड और इन्होंने दोबारा उल्टी की थी और साहिल के पूरे कपड़े गंदे कर दिए थे और हमारे बैग भी गंदे कर दिए थे, बट चलो कोई बात नहीं, बच्चा है हमारा। क्या हुआ साहिल, क्या हुआ? कपड़े बट डाल दो, कपड़े डाल दो, इसको डाल दो यार, डाल दो इसको, ये डाल दो सेंटा क्लॉज, ग्रीन सेंटा क्लॉज। तो पहाड़ में तो गाइस खतरनाक ठंड हो रही है, गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बट उतरने के बाद खतरनाक लग रही है। ओली क्या हुआ, ठंड लग गई? अंदर गाइस हमसे बैठा नहीं जा रहा रेस्टोरेंट में, इतनी ठंड हो रही है ना। और अभी तो दिन हो रही है, रात को और सुबह कितनी ठंड होती होगी यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आए हैं हाथ सेकने के लिए, पूरी ठंडी जम गई भाई, पानी गर्म हो रहा है कंटर में, तो हाथ सेकते हैं। और वहाँ का सीन देखो गाइस कितना प्यारा है, वही जाना है ऊपर, अभी हमको वहीं जाना है ऊपर टॉप में, वहीं पे मम्मी का माइक है। पहले हाथ सेक लेते हैं, मम्मी और बाकी सब अंदर हैं। तो अभी हम अपने ओरियो को लेके चल रहे हैं इस तरह से, हमारे बच्चे की तरह, क्योंकि इसको बहुत ठंड लग गई है। अभी तो जाके हम कंबल में ओढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, और खाना पीना हो चुका है हमारा, अच्छे से हमने खा लिया है छोले समोसे वगैरह। अब बस जल्दी से ये सीन है कि जल्दी से पहुंच जाएं, बस जल्दी से जल्दी, ताकि ओरियो को रेस्ट मिले, धूप मिले और सब कुछ सही रहे। तो चलो कैमरामैन साहिल जोशी के साथ, कैमरामैन साहिल जोशी के साथ में ओरियो, गर्म पानी जगह का नाम है, फिर से बता रहा हूँ जगह का नाम है गर्म पानी। और पहुँचते हैं मम्मी के मायके और आपको दिखाते हैं वहाँ का सीन, बिकॉज हम आज रुकेंगे वहाँ पे। मम्मी जी और पापा जी को सामान वगैरह ले रहे हैं, ओरियो को हम ले आए थे, ओरियो काँप रहा है, लिटरली काँप रहा है, जिसको मैंने कंबल में रख दिया है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा हो भी रही है। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं और ओरियो ने कुछ भी उल्टी उल्टी अब नहीं करी है, तो बिल्कुल सही है। और धूप भी आ चुकी है, तो अब ठंड भी नहीं लग रही यहाँ पे, अब धूप में बैठेंगे आराम से। और सीन चेक करो गाइस, बहुत बड़ा यार ये तो, लेबरा नहीं है, हर कुत्ता आपका लेबरा लगता है, और मेरे को लेबरा ही लगता है, बड़ा कुत्ता लेबरेटा, लेबरा भी नहीं। तो अपन को जाना है इधर, हमारे गाँव का नाम है बेड़ी, हमारा स्वागत करने कोई नहीं आया यार, है ना? स्वागत कोई नहीं कर रहा यार हमारा, गजब बेइज्जती है यार। चलो ले लिया सामान, नमस्कार नमस्कार। अब लग रहा है पहाड़ में, हाँ थक गए, इतने में थक गए यार, कहाँ है नीचे जाने क्या? तो ये कुत्ता पीछे पीछे आ रहा अभी तक। नाम, नाम। चलो चलो चलो, अरे अंदर चलो, जूते उतार दे बाहर ही, जूते बाहर उतार ले। फाइनली वी हैव रीच्ड। तो अभी हम बाहर आए हैं धूप में, जो अंदर तो ठंड हो रही है, और यहाँ पे तगड़ी वाली धूप हो रही है, और ओरियो को भी यहीं बिठा दिया है,
बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा लगी थी ओरियो को, कांप रहा था ओरियो। और घर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ से लेके इतना इतना घर है और इतना अलग है, ठीक है। पहले पुराने थे बट अब थोड़े नए बना दिए। और यहाँ पे बकरी है, देखो इसकी आँखें देखिए खतरनाक ही लग रही है ना। बस एक चीज़ की टेंशन हो रही है मेरे को नेट की, कि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो अगर मेरा आज मैं एडिट करता हूँ रात को और सुबह तक मेरा ब्लॉग नहीं आया तो मेरा डेली ब्लॉग टूट सकता है। तो देखते हैं नेट चलता है या नहीं चलता, जो भी रहेगा। तो गाइज ये है पूरा गांव, देखो ऊपर के साइड घर हैं, यहाँ पे घर हैं और ये हमारा घर है, ठीक है। नीचे गाय रहती है, ऊपर रूम है दो और वहाँ पे स्टोरेज है। देखो सामने भी बकरी वगैरह बांध देते हैं। यहाँ पे विंडो से पूरा गांव दिख जाता, देखो लेफ्ट से लेकर राइट तक ऊपर तक सारे घर दिख रहे हैं। आने का रास्ता जहाँ से हम आए थे ये वाला, जहाँ पे वो अंकल जी बैठे हैं। एक रूम यहाँ पे है अंदर, जहाँ पे मामा जी साहिल और ये सो चुके हैं। यहाँ पे वो है हमारे मामा जी एंड ये है हमारी मामी जी। यहाँ पे किचन है ऊपर ही और यहाँ पे एक विंडो यहाँ से बाहर पीछे का दिखता है ना। ये मंदिर है, ये घूमने में लगा हुआ है जब से आया है। यार ये सीढ़ियाँ देखो कितनी खतरनाक सीढ़ियाँ ऊपर तक। ये ना ही संतरा है ना ही किन्नू है, ये है माल्टा। और गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये जो आपको होल दिख रहा है ना, इस होल के अंदर पता क्या है, ये देखो अभी निकली ना एक मधुमक्खी, इसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता है। इसके अंदर जो मधुमक्खी है ना वो पाल रखी है, पता है। जब भी इसके अंदर शहद हो जाता है ना तो पीछे से ये गेट है ना, ये गेट में से जाके पीछे से कुछ बना रखा है, वहां से शहद निकाल लेते हैं। जाके देखता हूँ क्या सीन है यहाँ का। खाली है, खाली है। देखो यहाँ पे ये है ना, इसके अंदर पूरा मधुमक्खी का छत्ता है। जब भी इसके अंदर शहद हो जाता है, फुल शहद भर जाता है, तो निकाल के शहद निकाल लेते हैं, फिर दोबारा ऐसे लगा देते हैं, फिर दोबारा जब शहद आता है ऐसे ही करते रहते हैं। वहाँ पे गाय है देखो, ऊपर देखो लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ से बना हुआ है। वैसे हमने आज तक यहाँ का शायद कभी नहीं खाया, मम्मी ने खाया, बिकॉज मम्मी का तो पूरा बचपन यहीं पे गुजरा है। मम्मी बताती थी हमको, हम ऐसे करते थे यहाँ पे, ऐसे करते थे। माल्टा खाने का मन हो रहा है मेरा, कितने प्यारे लग रहे हैं सारे, देखना वो। और घर के पीछे से कुछ इस तरह का सीन है, देखो लीप रखा है पूरा मिट्टी से, कोई सीमेंट वगैरह नहीं है, सीमेंट ऊपर है। अच्छा सीढ़ियाँ लगा रखे हैं तो इन सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके देखेंगे कैसा सीन है ऊपर से। ये देखो कितने सारे हैं अंदर, बहुत हैं अंदर, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। काटेंगे तो नहीं? नहीं काटते, पालतू है ना, नहीं काटते। तो अभी है लंच टाइम, हम लंच करते हैं। लंच में हमारे पास है सब्जी और इतनी मस्त मस्त चटनी चुटनी है ना, तो ये खाते हैं हम, सभी यहाँ बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं कहीं घूमने के लिए, ऊपर चलेंगे, बाहर चलेंगे, माल्टा खाएंगे। तो ये वाले मामा हमारे यहीं रहते हैं, बाकी मामा हमारे अल्मोड़ा रहते हैं। बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी आपके आज? बहुत ज्यादा ताजा, पिछले बार आए थे हम। अरे मैं तो पता नहीं 6-7 साल के बाद आ रहा हूँ। सो लंच कर लिया है, अब मैंने स्विच कर लिया है अपने DSLR पे फाइनली। जब से हैं तब से मैंने DSLR यूज ही नहीं किया था, फोन से ब्लॉग कर रहा था। तो चलो अब क्वालिटी मस्त दिखेगी और सामने दिखाता हूँ मैं आपको अब अच्छे से, इसमें अच्छे से दिख जाएगा गाँव। तो ये देखो कुछ इस टाइप का सीन है। माल्टा तोड़ दो एक। सबसे पहले हम माल्टा ही खाते हैं। एक काम करो दो ही तोड़ो पहले, अगर अच्छे लगेंगे तभी और तोड़ना। मेरे को तो अच्छा लगेगा। एक बार मान ले अपन तोड़े ना और वो सही ना हो फिर। हाँ ये बड़ा वाला है भाई, ऐसे तो पिचक जाएगा वो, ऐसे तो पिचक जाएगा, पिचक जाएगा मेरा। अरे संतरे की तरह है। तो अभी अपन ने एक तोड़ लिया है, तोड़ ले खुद अपने लिए। अरे दो ही तोड़ ले। तो अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और सही टाइम पे हम यहाँ पे पहुँचे। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज कल सुबह सुबह हमको यहाँ से निकलना है। तो जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी गांव तो दिखा दिया, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे ना ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस गाँव में, मतलब जो घर है वो पुराने जैसे ही है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके अच्छे से, देखो जैसे ये वाला घर है इसके ऊपर अभी भी पत्थर के हैं, ये लेंटर के नहीं बने हैं, वो भी पत्थर के हैं, वो टीन के पत्थर के पत्थर के पत्थर के सारे ऊपर तक सारे पत्थर के ही हैं। ये एक और माल्टा का पेड़। बट जो भी है ना ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो वीडियो में जस्टिस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वो सामने रोड है जहाँ से हम आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो रोड है जो नीचे से ऊपर से आ रही है, वहाँ से हम आए थे। ये ऊपर से पता नहीं ऊपर कहीं और जाती है किसी और गाँव में। बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस, बहुत ही प्यारा। गाँव में जाती है वाली रोड। कौन से गाँव में? मजा ही आ गया ना। और माल्टा हमने खा लिया, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। जो लोग पूछते थे कि आप बेसिकली कहाँ हो, तो जो मेरी मम्मी है वो बेसिकली यहाँ की है, जो कितनी दूर है, मतलब लिटरली कितनी पहाड़ों के ऊपर है। और जो पापा जी हैं वो अलग कसानी के हैं, वहाँ हम कल जाएंगे, ठीक है। लड़कुली उड़ गई है, अपना घर होते हुए भी हम यहाँ पे रह नहीं सकते, पता है। देख लो सिर्फ घूमने के लिए आ सकते हैं जब भी
वेकेशंस होती हैं, बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, नेट भी नहीं चलता, लेकिन जो व्यू है, हवा है, नेचर है, खाना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑर्गेनिक। अभी मैं ऐसे कैमरा लेके यहाँ पे छत पे बोल रहा हूँ तो सारे पूरे गांव वाले अपने घर से देख रहे हैं, ऊपर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, सारे देख रहे हैं कि कौन आ गया। जैसे कि मैंने बताया मैं तो काफी टाइम के बाद ही आया हूँ, ले आराम से गिरा मत दियो भाई, पहले बता रहा हूँ। गिरना नीचे आराम से, हाँ आराम से पकड़ ले, आराम से, आराम से, हाँ कूदा कूदा भाई, तेरे टास्क है, देख कूदना कूद के दिखाएगा, वैसे है तो बहुत ऊंचा भाई, कूद कूद, ओहो कूद गई लड़की। तो अभी हम ऊपर की साइड निकल गए, फॉग हो रहा है, फॉग फॉग की वजह से हमको पहाड़ नहीं दिख पा रहे सामने वाले, और नीचे नदी भी है, नीचे कहाँ जाएगा, बहुत नीचे है वो। ओए 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 समो, पकड़ उसको, पकड़ पकड़, नीचे जाएगा, गिर जाएगा वो, कैसे कूद रहा है देखियो, तू क्यों जा रहा है नीचे, तेरे जैसे आ रहा है नीचे, कूद गया है ना नीचे, देख गिर जाएगा वो, लग जाएगी उसको, नीचे देख कितना डेंजरस है, फोटो के चक्कर में बेटा फोटो निकल जाएगा तेरा, उसको नीचे ले आना जरूरी है क्या, मत ले गया उसको, फिर ऊपर नहीं आ पाएगा वो, बेटा ध्यान से, खुद का तो नहीं हो रही होगा, ध्यान रख ले। तो गाइस ये देखो कैक्टस है, इतना बड़ा पेड़ है कैक्टस का ना, कैक्टस है भाई, कैक्टस है यहाँ पे ना, इतने सारे कैक्टस है, देखो यहाँ भी कैक्टस ही कैक्टस है, कैक्टस है भाई। तो अभी सही हमारी हाइकिंग चल रही है ओरियो के साथ में, ऊपर को जा रहे हैं हम, ऊपर एक मंदिर है वहाँ की साइड जा रहे हैं, शर्म कर ले, ओरियो तरह खींच रहे हैं, ओरियो को बड़ा मजा आ रहा है तो चलने में यहाँ, अरे इनको इनको ना घूमना बहुत पसंद होता है, बताए वो दो तीन दिन से घूम ही रहा है, तो मतलब इसका मन बिल्कुल खुश ही है। तो यहाँ पे पत्थर से रास्ता बना रखा है, जो कि यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है, बिकॉज पत्थर पैर में अड़ सकते हैं, बट जो भी काफ़ी प्यारा है ना ये। अभी हम बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं टॉप पे, चलो अरी चलो चलो अरी, इसको ले आओ, अरे को यहाँ ले आ, इसकी पहाड़ के साथ फोटो लेनी है, इधर ले आ, यहाँ अच्छी फोटो आएगी, ओली यहाँ से अच्छा लग रहा है, देख तो कितना प्यारा लग रहा है यार, ओरी खींच ले, खींच दी बस, चलो हो गया, चलो आ जाओ होगी फोटो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे तू गलत रास्ते से जा रहा है, इधर जाना था, इधर आ वापिस आ, रास्ता तो ये बना हुआ है देखो, यहाँ से जाना है ना, वो पता नहीं अलग ही रास्ते पे जा रहा है कहीं, और ये को वापिस ले गया खुद भी, आ वापिस लाएगा खुद भी, तो आए गई यार, ये सफेद सफेद इतना सफेद लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या रुई चल रही है क्या खुद चल रहा है। हाँ ये वाले पेड़ मुझे बहुत पसंद है, विद्या के पेड़, हाँ इसको हम रखते थे पता है बुक में, कॉपी के अंदर रखते थे इनको, देखो जो ये वाले है ना इनको, अच्छा माँ दुर्गा का मंदिर है, जय हनुमान भी लिखा है, काफी प्यारे गणेश जी एंड ये शुभ लाभ, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हैं, गाँव के यज्ञ, देखो यज्ञ केंद्र है ये, देखो यहाँ पे डस्टबिन भी बना रखे हैं, जो कि काफी मतलब बढ़िया बात है, और यहाँ से व्यू चेक करो गाइस कितना प्यारा है, साहिल को फोटो खिंचाने का इतना शौक है कि फोटो खिंचाता रहता है बस ये। तो ये भाई हैं हमारे पड़ोस वाले, जो कि हमको घुमा रहे हैं, हाय बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, अभी मैं सोच रहा था कि नेट मेरा नहीं चल रहा है, अपलोड किस तरह से करूंगा क्या होगा, तो मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं अब जल्दी से घर जाता हूं और जितना आज का व्लॉग बना है उसको एडिट करके अपलोडिंग लगा देता हूं नेट ढूंढ के, क्योंकि कहीं कहीं पे नेट चल रहा है, जैसे कि रोड के पास में या फिर किसी के घर में ऊपर में, तो मैं जल्दी से एडिटिंग करता हूं जाके, तो ताकि कल 8 बजे मेरा व्लॉग आ जाए। फिलहाल मैं इसको एंड कर ही देता हूं, क्योंकि अभी और कुछ करना तो है नहीं, कल सुबह सुबह निकलना है, थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया मैंने, सो कभी फुर्सत में आएंगे अच्छे से खुद की गाड़ी लेके या बाइक लेके, तब आपको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते सब कुछ, बिकॉज यहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिखाने के लिए। तो फिलहाल यार तो चुप हो जाए यार, ब्लॉग तो एंड करने दे, तू भूख पहले लग जाती है तेरे को। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना। अभी हम हैं बैड़ी में, जो कि मेरी मम्मी जी का मायके है, बता रहे हो। अरे आते हैं 6 साल में आया हूँ मैं। सो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
पूरी फैमिली आराम से देखो बाहर धूप में बैठी है, बट आई हैव टू एडिट ताकि व्लॉग कल टाइम पे आ जाए, तो इस बात पे लाइक कर देना गाइस, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है डेली व्लॉग करने के लिए। तो चलो मैं एडिटिंग कंटिन्यू करता हूँ।